चैनल लर्न विद फोकस में तो हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथ में देख रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दो चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? इसके पहले हमने आपको इक्वेशन बताया है, समीकरण बताया है, पॉलिनोमियल में बताया है। इसके पहले चैप्टर हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग समीकरण क्या होता है। समीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनली इसमें दो चरों के रैखिक समीकरण, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अचर होंगे एक्स और वाई। ऐसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करेंगे ग्राफ पे उसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले जाना जाए समीकरण किसको बोलते हैं। तो समीकरण हमने आपको पॉलिनोमियल में बताया था। तो समीकरण कुछ भी हो सकता है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है समीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा टू वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, क्या है दो वेरिएबल हैं। ए बी सी क्या है आपका, ए बी और सी है वह क्या है, किसका एलिमेंट है, आर का। यानी ए बी और सी रियल नंबर हैं, जहाँ वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर जो a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब आपको क्या मिलेगा, लिख सकते हैं यहाँ पे when a इज इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ से मिल जाएगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि यह आपको ऐसा इक्वेशन मिला, यानी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। यहाँ केवल एक वेरिएबल बचा, x की वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो हो गया पूरा टर्म। और कब, जब when b इज इक्वल टू जीरो किया जाए, तब क्या मिलेगा आपको, जब b इज इक्वल टू जीरो करेंगे तब आपको यहाँ पे b इज इक्वल टू जीरो नहीं, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तब फ्रॉम इक्वेशन वन मिलेगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर आपको एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर राशि का एक इक्वेशन आपको मिला, जिसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। यहाँ पे आपको y का टर्म जीरो हो गया, यानी b की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, यानी ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, माइनस सी बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग माइनस सी बाई बी। यहाँ से इक्वेशन हम लोग, यहाँ से अचर पद की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आता है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन वन, जब ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तब आपको मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यानी रैखिक दो अचर राशि वाले, दो चर राशि वेरिएबल, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। इसके बाद आता है, एक होता है नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन रैखिक अरैखिक समीकरण, अरैखिक समीकरण, ये इसी को बोलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, अरैखिक समीकरण में, अरैखिक समीकरण में आपका हो सकता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए जो x का पावर है, वेरिएबल है x, यहाँ पे थ्री पावर है, यहाँ पे टू पावर है, यहाँ पे वन पावर है, यहाँ पे जीरो पावर है। तो इसको बोलेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे पावर जो है वह सेम नहीं है, अगर जो सेम होगा तो लीनियर होगा, और पावर सेम नहीं होगा तो नॉन लीनियर होगा, अरैखिक समीकरण होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यह भी क्या है आपका, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है,
यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो आगे हम लोग देख सकते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 को हल करें। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है इक्वेशन विथ टू वेरिएबल x एंड y। हमारे पास इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ भी पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, ये कांस्टेंट है। तो यह हो गया लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होते हैं, दो चरों के रैखिक जो समीकरण होते हैं उनके हल जो होते हैं वो अनंत होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, हल होते हैं। अब इसको कैसे समझा जाए देखते हैं यहाँ पे। तो जो भी गिवन इक्वेशन है, गिवन क्या गिवन है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या कर दिया जाए, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए, y की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार y की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी अनंत वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम रख रहे हैं x इज इक्वल टू 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिलेगा आपको, ये पूरा टर्म 0 हो गया और y की वैल्यू मिल जाएगी 14/3। तो यह हो जाएगा, इसका मतलब फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, तो फ्रॉम वन यह हो जाएगा 2x, यानी ये 0 हो गया, x की वैल्यू जब 0 तो ये 0, यह हो गया 3y इज इक्वल टू 14, या y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब क्या पुट किया जाए, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। जब x इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा फ्रॉम वन इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 14 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, या y इज इक्वल टू 3 × 4 = 12। ऐसे करके x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रखते जाएंगे, y की वैल्यू आपको करस्पॉन्डिंग मिलती जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता रहेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इस दोनों मान को रख करके चेक कर लिया जाए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब x इज इक्वल टू यहाँ 0 रखा जाए, जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे फ्रॉम वन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 14/3। फ्रॉम वन यह हो जाएगा 2 × x की वैल्यू 0 हो गई प्लस 3, y की वैल्यू दिया है 14/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या 0 हो गया, या 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 14, और यही आया है क्या राइट हैंड साइड में, देखिए यही तो राइट हैंड साइड में है, इसकी वैल्यू हमने लेके चला ये मिल गया, इसका मतलब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। वैसे ही x के प्रत्येक मान के लिए एक y आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू इसमें इक्वेशन वन में रखेंगे तो ये राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल पे एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है a का मान ज्ञात करें, यदि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 समीकरण का एक हल है। दिया हुआ समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है, तो a का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे, जो भी दिया है x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख लेंगे, गिवन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द
हैव वैल्यूज इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 3, एक्स की वैल्यू हो गई 1 प्लस ए इंटू वाई की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 प्लस ए इज इक्वल टू 6, या ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 6 माइनस 3, या ए इज इक्वल टू मिल गया 3। तो यहाँ से हमें ए का मान निकल गया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी न्यू इक्वेशन जो आपका हो जाएगा यह हो जाएगा 3 एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या मिल गई 3, ए की वैल्यू हो गई 3 इंटू वाई प्लस सॉरी इज इक्वल टू 6 मिल गया, इज इक्वल टू 6 मिल गया। ये आपको यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इक्वेशन को, हम इसको इक्वेशन को बना रहे हैं, कैसे इक्वेशन बनेगा। तो 3x, ए की वैल्यू हमने 3 रख दिया, y इज इक्वल टू 6, इसमें देखिए 3 3 और 3 कॉमन है, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x, और इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा y, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2। तो यह आपका इक्वेशन मिल गया। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया कि अलजेब्रा ऑफ इक्वेशन, इसका इक्वेशन का बीजगणित क्या होगा। बीजगणित का मतलब ये होता है, अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि एडिशन हम लोग देखेंगे, धन देखेंगे, भाग माइनस देखेंगे, गुणा देखेंगे और भाग देखेंगे। कैसे जो है इक्वेशन में गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो जो भी टर्म लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो जो भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट में जोड़ेंगे वही आपको राइट में भी जोड़ना होगा, तो इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो चीज़ आप लेफ़्ट में घटाएंगे वही राइट में भी घटाना होगा, जो जिस चीज़ से आप लेफ़्ट में गुणा करेंगे उसी चीज़ से आप राइट में भी गुणा करेंगे, जिस चीज़ से लेफ़्ट में आप डिवाइड करेंगे उसी चीज़ से लेफ़्ट में सॉरी राइट में भाग देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यानी जो भी आपको करेक्शन करना है, जो भी परिवर्तन करना है इसमें, लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करना होगा। जो भी ऑपरेशन करना है आपको, या तो प्लस का ऑपरेशन करना है तो लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करेंगे, अगर जो सब्ट्रैक्शन का है लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का है लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करेंगे, डिवीजन का है लेफ्ट में करेंगे डिवीजन तो लास्ट में भी क्या करेंगे, राइट में भी क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सारे ऑपरेशन दोनों साइड में होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या होता है, इसको देखेंगे, उसके बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है गिवन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया है आपको। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग x एक्सिस पे देखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, और y एक्सिस पे क्या वैल्यू हो रही है, दोनों को मिलाएंगे, जो कटान बिंदु होगा उसी को मिलाते चलेंगे, आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन वन। जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। ये देखिए ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू जब 2y इज इक्वल टू 5 करेंगे या y इज इक्वल टू 5/2, इसकी वैल्यू मिल गई 2.5। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसी में y इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, y इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं y इज इक्वल टू 0, तो जब ये y इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5, ये x इज इक्वल टू हो गया 5। अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया ग्राफ का, कौन सा आइडिया मिल गया वह देखिए, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ,
इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये होता है वाई एक्सिस नेगेटिव। ये होता है आपका वाई एक्सिस नेगेटिव में और वाई एक्सिस पॉजिटिव में। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव में और यहाँ इधर होता है एक्स एक्सिस नेगेटिव में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह है हमारा मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, यह होता है हमारा मूल बिंदु या इसी को बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पे यक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। ठीक है, मूल बिंदु पे यक्स की वैल्यू भी जीरो, यह आपका यक्स का कोऑर्डिनेट है और यह आपका वाई का कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले हम लोग यक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, ये देखिए दिया है यक्स इज इक्वल टू जीरो पहले, तो यक्स इज इक्वल टू जीरो ये पॉइंट हो गया। इस पे यक्स का मान लिखेंगे इस एक्सिस पे और इस पे लिखेंगे वाई की वैल्यू। ठीक है, तो यक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, वाई की वैल्यू उसके करेस्पॉन्डिंग 2.5 दिया है। तो जब यक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई की वैल्यू इस पे लेंगे और ये क्या है पॉजिटिव है, तो यह हो जाएगा 2.0 कहाँ पे जाएगा, इसको मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा हो गया ये 3 है, ये हो गया हमारा 2.5। ठीक है, अब दिया हुआ है y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिला है 5, तो y इज इक्वल टू जीरो देखा जाए कहाँ पे है, फिर y इज इक्वल टू जीरो मूल बिंदु मिल गया आपको ये, और इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी दी है 5, तो हम लोग लिख लिया जाए इस पे 5। ये हो गया हमारा मार्किंग 1 की 2, 3, 4 और ये हो गया 5, तो इसका ये हो गया आपका 5 या इसी को आप लोग लिख सकते हैं 5.0, इसी को लिख सकते हैं 5.0। क्यों, क्योंकि यह एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो हमने ओरिजिन मिला, ये ओरिजिन चलता रहेगा आगे तक। किसका ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस का ओरिजिन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्या है आपका जीरो है, ये देखिए इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो हमें दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु यह मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, दो ही बिंदु से एक रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी लाइन को खींचने के लिए एटलीस्ट आपको दो पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी और हमें वो दो पॉइंट मिल गया। देखिए एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो जो लाइन वो ड्रा करेंगे वह किसका लाइन होगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव का वो लाइन होगा। अब इसको थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए एक दो पॉइंट और निकाल लिया जाए, तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग कर देंगे एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दिया जाए। तो जब इसमें एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 इधर ले जाएंगे तो 5 - 1 = 4 हो जाएगा और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो x इज इक्वल टू 1 ये हो गया हमारा 1, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। यहाँ पे इसको मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ जाएगा ये, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे मिलाते हैं और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो यह आपको मिलेगा एक पॉइंट। यह आपको एक पॉइंट मिल गया जिस जहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, ये पॉइंट आपको मिल गया। एक पॉइंट और निकाल लिया जाए, x इज इक्वल टू कर देते हैं 2 और y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे, इधर जाएगा 5 - 2 = 3 हो जाएगा, 3 / 2 करेंगे 1.5, y की वैल्यू मिल गई 1.5।
तो यह मिल गया आपको x इज इक्वल टू टू, यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू टू, और y इज इक्वल टू मिल गया आपको 1.5, यह हो गया 1 और यह हो गया 1.5। इसको मिला देते हैं, तो यह आपको एक बिंदु मिला, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू टू और y इज इक्वल टू 1.5। तो हम लोगों को देखिए कितने पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट और चार पॉइंट। तो इन चारों पॉइंट की सहायता से हम लोग एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लीजिए, ये थोड़ा सा दूर हो गया, इसको और नज़दीक कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5, 0। ठीक है, अब इसको ड्रा करिए। यह लाइन हो गया, ये लाइन जो आपको मिली इस लाइन को बोलेंगे, यह कौन सी लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव। ये कौन सी लाइन है, ये वह लाइन है जो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो यह हो गया आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, और इसका जो सोल्यूशन होगा वह इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। x की वैल्यू ज्यों ज्यों बदलते जाएंगे y की वैल्यू बदलती जाएगी और ये इक्वेशन आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यह होगा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का अनंत सोल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, यानी x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू सी का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू सी का समीकरण क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो पहले देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा, यही भी लिखते हैं हम लोग, हमने आपको बता दिया है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाता है वाई बराबर जीरो। वाई बराबर जीरो को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का समीकरण वाई बराबर जीरो, यानी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हर जगह जीरो होगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या बताया आपको, एक्स एक्सिस बताया है, और इसको क्या बताया हमने, वाई एक्सिस बताया है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो बताइए एक्स एक्सिस का समीकरण वाई बराबर जीरो कहाँ होगा, यही तो वाई बराबर जीरो होगा, इसमें वाई बराबर जीरो पुट कर दिया जाए, यही हो जाएगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन। वैसे हम लोग क्या कर दिया जाए, वाई एक्सिस का समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं वाई इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो हो जाएगा वो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, यह हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे यह है जीरो, यह हमारा मूल बिंदु जीरो और जीरो, तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो ये इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई पे, इस वाई पे x की वैल्यू यहाँ भी जीरो होगी, यहाँ भी जीरो, 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 यहाँ भी जीरो। इसका मतलब यह है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा x बराबर जीरो, और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा, x एक्सिस का मतलब यह है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और इस एक्सिस पे
वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ भी जीरो, 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 यानी पूरे लाइन पे वाई की वैल्यू जीरो होगी। इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और इस लाइन पे पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, देखते हैं, ये हो गया पहला, हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये दूसरा हो गया इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, कोई कांस्टेंट है ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए का इक्वेशन क्या होगा और वाई इज इक्वल टू ए का इक्वेशन क्या होगा, उसको देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस। तो बताएं इक्वेशन ऑफ एक्स बराबर, इक्वेशन ऑफ एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए का इक्वेशन क्या होगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, ए पॉजिटिव है, तो क्या होगी, यहाँ पे एक्स हो गया जीरो और वाई भी हो गया जीरो, तो इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी। तो हम मान लेते हैं ए कहीं यहाँ पे है, जिसकी वैल्यू है ए कामा जीरो, यानी एक्स बराबर ए है, वाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स बराबर ए, वाई की वैल्यू जीरो, तो यह मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ, यह हो गया एक्स बराबर ए का इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे एक्स बराबर ए, यानी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये देखिए डिस्टेंस, देखिए इसको एक्चुअली बोलते हैं डिस्टेंस, एक्स बराबर ए यहाँ भी, एक्स बराबर ए यहाँ भी, एक्स बराबर ए यहाँ भी डिस्टेंस है, ए यहाँ भी डिस्टेंस है, इस पूरे लाइन पे कहीं भी चले जाइए एक्स बराबर ए आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, वैसे ही लिखेंगे चौथा, इक्वेशन ऑफ वाई बराबर बी का इक्वेशन देखा जाए क्या मिलेगा आपको, तो वाई की वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, वाई एक्सिस पे मिलेगी, तो वाई की वैल्यू जब वाई एक्सिस पे मिलेगी तो हम लोग यहाँ बना सकते हैं एक और, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो आपको इक्वेशन ऑफ वाई बराबर बी लिखना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स जीरो और वाई जीरो, वाई की वैल्यू कितनी मिली है बी, तो मान लेते हैं यहाँ पे बी है कहीं, तो इसकी इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्स जीरो होगा और वाई की वैल्यू मिलेगी बी, इस पूरे लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, पहले लिखते हैं एक्स फिर लिखते हैं वाई, और वाई की वैल्यू बी मिलेगी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका ये जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, इस लाइन को बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे वाई बराबर बी का समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यह हो गया वाई बराबर बी कॉन्स्टेंट है कोई दिया हुआ है, इसका इक्वेशन ये हो गया, कॉन्स्टेंट होगा इसका ये हो गया, यानी एक्स एक्सिस से जो ये डिस्टेंस होगा हर जगह वो क्या होगा, बी होगा, यहाँ भी कहीं भी डिस्टेंस ये लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी आपको, बी मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, इस पर देखते हैं लीनियर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मिल गया वाई बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस मिल गया एक्स बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्स बराबर ए का ग्राफ मिल गया हमें, और इक्वेशन ऑफ वाई बराबर बी का ग्राफ मिल गया हमें। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो चरों के रैखिक समीकरण में एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और x प्लस वाई बराबर थ्री द्वारा निरूपित हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक त्रिभुज बनाना है जहां पे क्या होना चाहिए, x बराबर जीरो होना चाहिए, y बराबर जीरो होना चाहिए और उस रेखा का समीकरण होना चाहिए x प्लस वाई बराबर थ्री। तो इसके लिए हमने आपको बताया था x बराबर जीरो का समीकरण क्या होता है, वाई एक्सिस, और y बराबर जीरो क्या होता है, x एक्सिस। तो जो दो एक्सिस तो हमें मिल गए, यानी दो भुजा मिल गई,
तीसरी भुजा इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, तो गिवन है जो दिया है पहले लिख लेंगे, गिवन एक्स बराबर जीरो। तो एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या है, एक्स बराबर जीरो कल हमने आपको बताया था, एक्स बराबर जीरो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कहाँ पे जीरो होगा, वाई एक्सिस पे जीरो होगा। ये हमारा इक्वेशन है एक्स बराबर जीरो का, ये इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन है एक्स बराबर जीरो का, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है हमारे पास, दूसरा दिया हुआ कंडीशन वाई बराबर जीरो। तो वाई बराबर जीरो का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर जीरो का जो इक्वेशन होगा वो इसी ग्राफ में अगर जो हम लोग दिखाएं, तो वाई बराबर जीरो एक्स एक्सिस पे होगा, यानी यहाँ पे हमारा हो गया वाई बराबर जीरो, ये हो गया हमारा वाई बराबर जीरो। इसके बाद कह रहा है एक इक्वेशन आपको दिया है एक्स प्लस वाई बराबर थ्री, तो हमें दो भुजाएं तो मिल गई हैं, देख सकते हैं कोई एक तीसरी भुजा मिल जाए, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, तो एक ट्राइंगल आप लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, इसका ओरिजिन हमें मिल गया जीरो काम जीरो। अब एक और इक्वेशन दिया हुआ है, दिया है एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है आपको, थ्री दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक बार एक टेबलेटेड फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं हम लोग, या एक टेबल बना लेते हैं, और कोई भी रेखा खींचने के लिए आपको एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। कोई भी एक लाइन आपको खींचना है तो कम से कम दो पॉइंट चाहिए, तब आप एक लाइन ड्रा कर पाएंगे। तो हम लोग एक्स की दो वैल्यू निकाल लिया जाए और वाई की दो वैल्यू निकाल लिया जाए, तो दो पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को पकड़ के लाइन खींच देंगे तो हमें एक रेखा मिल जाएगी। तो देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ से निकाल लिया जाए कब, सॉरी एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो का इक्वेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पुट करते हैं एक्स बराबर वन। तो जब एक्स बराबर वन इसमें रखेंगे, किस में, इस इक्वेशन वन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या मिलेगा आपको, इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी थ्री, सॉरी एक्स बराबर वन रखेंगे तो थ्री माइनस वन, या वाई इज इक्वल टू मिलेगा टू, तो यहाँ मिल गया टू। दूसरा हम लोग वैल्यू रख लिया जाए एक्स की, अगर जो दो रखते हैं तब आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे टू रखेंगे तो इसकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यानी वाई बराबर तब आपको मिल जाएगा थ्री माइनस टू, या वाई बराबर क्या मिल जाएगा वन। देखिए यहाँ पे एक्स बराबर दो रखेंगे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो थ्री माइनस टू हो गया, या वाई की वैल्यू आ गई वन। तो आपको दो पॉइंट मिल गए, एक मिल गया पहला यहाँ से बिंदु मिल गया आपको वन कामा टू, और यहाँ से दूसरा बिंदु मिल गया टू कामा वन, ठीक है। तो दो बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं। वह दोनों लाइन कहाँ होगा, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बनाते हैं, ये देखिए, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यह हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक। यह ओरिजिन हमने फाइंड कर लिया है, यह हमारा है जीरो कामा जीरो। एक इक्वेशन यह है वाई बराबर जीरो, दूसरा इक्वेशन यह है एक्स बराबर जीरो, और तीसरा इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर थ्री। इसको देखते हैं कहाँ मिलेगा ये, तो सबसे पहले यह हमारा हो गया वन, ये हमारा हो गया टू, इस पर भी वैसे वन, ये हमारा हो गया टू। तो पहला बिंदु क्या है, वन कामा टू, यानी x बराबर वन और y बराबर टू, तो x बराबर वन ये हो गया और y बराबर टू ये हो गया। इन दोनों को आगे एक्सटेंड करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में x बराबर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके इधर x पॉजिटिव है और इसके ऊपर y पॉजिटिव है। तो इसको फिर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए नीचे, तो आपको यह पॉइंट मिला। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x बराबर वन और y बराबर टू। दूसरा बिंदु क्या दिया है, दूसरा बिंदु दिया है x बराबर टू, तो ये हो गया वन और ये हो गया टू,
x बराबर टू और y बराबर वन, तो y बराबर वन ये हो गया। इन दोनों को एक्सटेंड कर लिया जाए तो आपको यह बिंदु मिलेगा, यह बिंदु मिल गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई टू कामा वन। तो इसके थ्रू हम लोग चाहें तो ये दोनों बिंदु को मिला करके इसको एक लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या किया जाए, यक्स पे इसकी वैल्यू फाइंड किया जाए, इस इक्वेशन में रखा जाए यक्स बराबर जीरो तो वाई की वैल्यू मिलेगी थ्री, और जब वाई बराबर जीरो तो एक्स की वैल्यू मिलेगी थ्री। इसका मतलब ये है कि आपको एक बिंदु मिलेगा यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर ये एक्स बराबर जीरो होगा, तो एक्स बराबर जीरो इसमें तो वाई बराबर थ्री, और जब x बराबर सॉरी y बराबर जीरो तो x बराबर थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर थ्री तो y बराबर जीरो। अब ये देखिए चार पॉइंट हमें मिल गए, चार पॉइंट, इसकी सहायता से हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे, ये लाइन होगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर थ्री, x प्लस वाई बराबर थ्री। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर जीरो, और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x बराबर जीरो। तो आपके पास तीन इक्वेशन थे, कौन कौन से, एक x बराबर जीरो था, एक y बराबर जीरो था, तीसरा x प्लस वाई बराबर थ्री था। इसकी सहायता से, इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हमें तीन भुजा मिली, और तीनों भुजा की सहायता से हमने एक त्रिभुज ड्रा किया, जिस त्रिभुज का नाम आप लोग दे सकते हैं, या ओरिजिन है तो ओ, इसका नाम ए कर सकते हैं और इसका नाम बी कर सकते हैं। तो आपको एक ट्रायंगल मिला जिसका नाम है ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो ऐसे ही इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, आधार, आधार गुणे लंब, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और यह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यह आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समकोण त्रिभुज देखिए, यहाँ पे एक समकोण बन रहा है, तो यह आपका जो त्रिभुज मिला है यह समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वह हाफ बेस इनटू हाइट, आधार गुणे लंब। तो यह हो गया हाफ, आधार इसका कितना है, आधार इसका देखा जाए तो थ्री है, और लंब भी इसका कितना है, लंब भी थ्री है। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, तीन तरीके नौ बट्टे दो, यह हो जाएगा 4.5 वर्ग मीटर कर सकते हैं, या वर्ग इकाई कर सकते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं दिया है तो इकाई लिख देंगे, अगर जो इसकी यूनिट दी रहती तीन मीटर या तीन सेंटीमीटर, तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, मीटर में दिया रहता तो वर्ग मीटर हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो ठीक है, ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कम्प्लीट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय। चलिए भैया।